अरे ओ गीता, आज मैं क्या सुन रहा हूं? Thank you.
भाभी बात सुनो भैया, जैसी भाभी बात शादीशुदा घर में आई है वैसे मेरी गीता भी शादीशुदी है, कोई पराई नहीं है। पक्के को लक्ष्मी है लक्ष्मी। मेरी बात सुनो भैया, मैं भी आपको कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। लक्ष्मी महालक्ष्मी महालक्ष्मी तुम महालक्ष्मी आ नहीं सौ विष्णु भगवान से कम है। आदत नहीं है तो जान दो कि तेरा भाई नाम प्रकाश पाटार
करके किसने हमारा कहा नहीं माना है, सजा मौत तो आया है। आए व्यक्ति ने जो जहां पर गाय भैंसे पर ले जाती है झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में सबको रहना है। नजर उठा करके देख लिया तो याद रखते थोड़ा तो ठुक करूंगा। ठीक है भैया, क्या समझा नहीं समझा समझ जाएगा। ठीक है भैया, आप उस सोखा के कहने में आप मुझे छोड़ रहे हैं भैया, एक दिन पछताओ रे भैया। अरे का समाचार है जा, काहे पछताव रे हमारे पास का कभी बात ये बात जी कहा था जा चार छ यहाँ पट्टा कह दे यूर कई छत रे अपने जन्म का महारानी गारे समझ गए भौजी समझ गए। अब तो अब लड़का तुम्हें हो गई या तो साल बैठा हो आई अब कहो ते तोर पत्नी की तब हमारे कोख पर भूत ना कराए हो। देवान जी हम कहो ते पछताओगे। हाँ भैया। अरे मैं नहीं पछताऊंगा रे, एक दिन तुम पछताओगे। जो रोते हुए खिलखिलाते हुए तू हमारे कर्तव्य पर फिर आएगा। आज देखता हूँ तेरी किस्मत कहाँ ले जाती है, तू एक की ठोकर खाएगा, एक टुकड़ा रोटी के लिए कुत्ता तू भूखा मर जाएगा। ठीक है भैया, अगली सीन इज ब्रेकर पर कसम ले दिल्ली लाल टेम जिला के खेल में मजा अब आएगा। इस समय तो जा रहे हो लाइले गीतवा रंडी हरियाई भाई बाप गाड़ी जलमैया गाड़ी सबिंजा के लाइले पटोलिया के लगाए लाइले हमारा सुन लिया भी चौने तेरे को उल्लंघन कर दिया भौजी। अगर आज हत्या लगाए हो तो लड़का सर कमाई पैदा हो गया हो। बंजर जमीन में उस रही जमीन में का पैदा हो गई भैया। लल्लू भैया भैया तुम तो जान रहे हो कि बड़े भैया प्रधान है इस समय। और मैं तो कुछ नहीं हूँ, जो किए वो ठीक किए लल्लू भैया। चीता हाँ स्वामी जी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ गीता, मैं तो भैया के सामने तुम्हें डांट रहा था कि फिर से मिल जाए भैया। लेकिन गीता हमको और तो दोनों को अलग कर दिए गीता, हमारे पास एक छोटी कौड़ी नहीं है प्यारी, मैं तुझे कैसे खिलाऊंगा। स्वामी जी तू मेरी बात सुनो, कुछ पैसे वहां से ला
इस समय मैं जा रहा हूँ गंगापुर अपने बहन के घर के पास, उससे मैं कुछ पैसे मांग के लाऊंगा और तेरा इलाज कराऊंगा गीता। स्वामी जी मेरी बात सुनिए, मैं क्या आशीर्वाद ला रही हूँ, मैं क्या बता रही हूँ, मेरी बात सुनिए। क्या कहना चाहती हो बोलो। मैं गंगापुर का रहने वाला हूं और एक
मेरी पत्नी है जिसका नाम राजकली है।